दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर दहाड़ा है हेटमैन का बल्ला, तो राहुल ने भी अपनी बल्लेबाजी से दिखाया है खौफनाक मंजर। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर खेले जाने वाले अंतिम टेस्ट मुकाबले से पहले केएल राहुल और रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्कों और चौकों की बारिश कर इस कदर को हराम मचाया जिसको देखकर भारतीय प्रशंसकों में जोश की लहर दौड़ पड़ी है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रशंसकों को गहरा झटका लगा है। तो आखिरकार कैसे रोहित ने विस्फोटक पारी खेलकर इतिहास रचा, यह तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ राहुल की तूफानी पारी के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों तूफानी प्रदर्शन को देखने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल में कौन है बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम सीरीज को जीतने के लिए अहमदाबाद के मैदान पर अंतिम मुकाबला खेलने के लिए उतरने वाली है, जहां पर भारतीय टीम ने पहले तीन मुकाबलों में शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में न हारने का संकल्प हासिल कर लिया। ऐसे में नागपुर के मैदान पर भारतीय टीम ने 132 रन और पारी के दम पर जीत हासिल की। तो वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में दिल्ली के मैदान पर भी भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वापसी करते हुए इंदौर के मैदान पर 9 विकेट से जीत हासिल कर ली और अब 9 मार्च को अंतिम मुकाबला खेला जाने वाला है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को सीरीज में बराबरी करने के लिए किसी भी कीमत पर जीत चाहिए। तो वहीं भारतीय टीम को लगातार तीसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने घर में रखने के लिए जीत चाहिए। ऐसे में अंतिम मुकाबले से पहले रोहित शर्मा और केएल राहुल का तूफानी प्रदर्शन सामने आया है। यहाँ दोस्तों रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों ने मिलकर काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए जमकर कहर बरपाया है। दोनों ने बड़ी आसानी से टीम को आगे ले जाने का काम किया है, जहां पर खेले गए अभ्यास मुकाबले में टॉस जीतकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई, जिसमें रोहित शर्मा ने बड़ी आसानी से टीम को मजबूत शुरुआत दिलाते हुए अपना शतक लगाया। तो वहीं केएल राहुल ने भी अपना शतक लगाकर आलोचकों के मुंह पर करारा तमाचा मार दिया है, जहां पर रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों ने अपना शतक लगाया और अपना विकेट दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे तरीके से सदमे में डाल दिया है। दरअसल रोहित शर्मा ने अपना खाता पहली गेंद पर छक्के के साथ खोला, तो वहीं केएल राहुल ने अपना खाता पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क को चौका लगाकर खोल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतकी साझेदारी मात्र 103 गेंदों पर कर दी, जहां पर 48 गेंदों के अंदर रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं केएल राहुल ने 53 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां पर एक बार फिर से रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक शाही अंदाज में छक्के के रूप में लगाया, तो वहीं केएल राहुल ने चौका लगाकर अर्धशतक के साथ जश्न मनाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक लगा दिया, जहां पर रोहित शर्मा ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 90 दिनों के अंदर 112 रन की पारी खेली। इस बीच उन्होंने 8 गगनचुंबी छक्के तो वहीं 4 चौके लगा दिए। दूसरी तरफ से केएल राहुल ने भी बेहतरीन पारी खेलते हुए 8 खूबसूरत चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए, और इस दौरान उन्होंने 100 गेंदों पर 115 रन की पारी खेली। ऐसे में इनकी तूफानी पारी को देखकर टीम मैनेजमेंट खुश हुआ और इसी तरीके से प्रदर्शन की उम्मीद अंतिम मुकाबले में करने लगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अंतिम मुकाबले में खेलना और शतक लगाकर फॉर्म में वापसी कर पाएंगे कि नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।